சாஷ்டாங்க தர்மபுத்திரனா. ठेस यदि हो और ठेस ठोस हो तो बहुत अच्छी बात है। श्री तुलसी जी के लिए पुराणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्या क्या कहा, लेकिन तमाम लोगों ने तुलसी जी को ठेस पहुंचाने में भी कसर नहीं छोड़ी। ठाकुर जी कृपा से हमारे संप्रदाय के श्रेष्ठतम आचार्य चरण के द्वारा जो श्री चित्रकूट धाम के पीठ का नामकरण हुआ, महाराज जी उसका भी यदि व्याख्या कभी करें तो इसका अंत नहीं आएगा। जिन तुलसी जी को ठेस पहुंचाई जाती है जहां जहां वहां उनका विरोध भी महाराज जी ने बहुत बार ठोस किया है और श्री तुलसी पीठ नाम रखकर के महाराज जी ने समझ में नहीं आता कि तुलसी जी को स्थापित किया है वहां, कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को स्थापित किया है। दास का दुर्भाग्य रहा जो देरी से आए हम, महाराज जी कृपा से मोबाइल में कथा सुनते रहे। महाराज जी की जो विलक्षण प्रतिभा है उसको कोई लाखों बार पुकारे और जो पुरस्कारों से महाराज जी अब तक पुरस्कृत हुए हैं ऐसे कोई करोड़ों पुरस्कार दे उसके बाद भी कम रहेंगे। महाराज जी के आश्रम में रहकर के जिन महापुरुष रहवासा महाराज जी ने खूब उनका अनुसरण किया, साथ में रहे, उनके जैसा उनका व्यक्तित्व कौन जानता होगा भला। ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में, युगल महापुरुष के चरण कमलों में दास का साष्टांग प्रणाम है और भगवान से प्रार्थना है कि जैसे जहां तहां जुगनुओं का प्रकाश होता है, कभी छिपते हैं कभी उदित होते हैं, ऐसे त्रिभुवन में प्रकाशित होने वाले भगवान जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के प्रकाश को प्रकाश में प्रकाशित करने वाले, पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, आज लगता है धरती पर दूसरा कोई आचार्य ठाकुर जी ने जन्मा ही नहीं है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, महाराज जी की प्रशंसा नहीं है केवल, यह संप्रदाय की प्रशंसा है। एकमात्र धरती पर श्री रामानंद संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है जो इतना उदार होकर के, इतना विशाल होकर के और मधुर मधुर व्याख्या महाराज जी से सुनकर यदि किसी को ठेस पहुंचे तो उन महापुरुषों को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है, वो क्षमा करें और महाराज जी ऐसी व्याख्याओं की बौछार जीवन पर्यंत नहीं धरती रहे करते रहे।